नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों। झारखंड की डीवीसी मैथन आज से 5 घंटे बिजली कटौती होगी, भुगतेंगे ग्रामीण। बकाया बिजली बिल को लेकर डीवीसी अब रोजाना 5 घंटे बिजली कटौती करेगी। इससे पहले डीवीसी 4 घंटे बिजली कटौती कर रहा था। इस संबंध में धनबाद सर्किट के महाप्रबंधक अजीत कुमार का कहना है कि डीवीसी के बिजली कटौती से शहर में ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। शहर में नेशनल ग्रिड से बिजली लेकर आपूर्ति की जा रही है, इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस संबंध में जब निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, झारखंड विकास से कोसों दूर हो गया है। बिजली जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई है, ऐसे में सरकार की लापरवाही साफ झलक रही है। ये डीवीसी को पैसा देने में नाकाम साबित हुए हैं, ये केंद्र सरकार को दोषी बनाकर अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। प्रदेश की जनता बहुत विश्वास के साथ हेमंत को अपना मुख्यमंत्री बनाया है, परंतु वे हर मोर्चे पर विफल हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर बने रहना नहीं चाहिए, स्वतः मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। धनबाद जिला ब्यूरो मलय गोप की रिपोर्ट। दो पावर स्टेशन मैथन पंचायत दोनों में लगभग प्रतिदिन 1200 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है, फिर भी यहाँ चिराग तले अंधेरा है, इस पर क्या कहें? सही में बहुत दुखद बात है इस राज्य के लिए। सिर्फ मेरा निरसा विधानसभा ही नहीं, पूरा राज्य में यही मतलब स्थिति है। और ये हेमंत जी का सरकार, जब से इस राज्य में हेमंत जी की सरकार बनी है तब से इस राज्य अस्त व्यस्त हो गया है। आज सीधे इनका बोलना है केंद्र कुछ नहीं कर रहे हैं, केंद्र कुछ नहीं, एक बहाना सिर्फ। लेकिन आपको बहुत विश्वास के साथ जनता, इस राज्य का जनता बहुत विश्वास के साथ आपको मतलब मुखिया बनाने का काम किए, सीएम बनाने का काम किए इस राज्य का। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सीधे जब से आप सीएम का कुर्सी में बैठे हैं सीधे जन विरोधी आप काम कर रहे हैं। एक भी इस राज्य में विकास का आप एक साल में एक भी बता दें। बड़ा बड़ा मतलब बात बोल रहे हैं, बड़ा बड़ा मतलब बहुत 29 तारीख को आप मतलब बहुत आयोजन किए, बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं कि राज्य में ये राज्य में वो, लेकिन राज्य का जनता सही में अस्त व्यस्त है। कहीं भी कोई विकास, चाहे बिजली कटौती का बात हो या किसान विरोधी सरकार है, ये है महिला विरोधी सरकार है, छात्र का ये विरोधी सरकार है, ये युवा विरोधी सरकार है, ये मतलब जो बेरोजगार है बेरोजगार को रोजगार नहीं दे पा रहा है, और जो बालू घाट में जो बालू बेच के किसी तरह से वो इस कोरोना काल में बेरोजगार हो गया था, वो बालू बेच के भी अगर खा रहा था वहाँ भी आप मतलब उसमें बेरोजगार रोजगार देने का तो कहीं कुछ योजना नहीं है। वैसा आदमी को आप निराश करने का काम।